क्या हालत निजासत में कुरान ज़ियारात दुआएं वगैरह की तिलावत की जा सकती है? देखें, फिकही तौर पर अगर आप बात करूं मैं कि शरअन व फिकहन हालत निजासत में कुरान ज़ियारतें दुआएं पढ़ना कैसा है, तो हराम तो नहीं है, सिवाय जनाबत की हालत में उन आयात के पढ़ने का कि जो सजदे वाली आयात हैं आगा सिस्तानी वगैरह के हिसाब से और आगा खुमैनी का पूरे सूरे का मसला था। इनको छोड़कर बाकी न कुरान पढ़ना हराम है, न दुआ पढ़ना हराम है, न ज़ियारत पढ़ना हराम है। दुरुस्त, हराम तो बहरहाल नहीं है, ये फिकही मसला तो हो गया। लेकिन लोग होते हैं दो तरह के, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो इंतहाई सुस्त, हो गया तो हो गया और रह गया तो रह गया, जोश जोश में जो कर लिया वो कर लिया, जो रह गया वो रह गया। कुछ होते हैं कि नहीं, इतने सुस्त नहीं होते, बिलाखिर अगर अभी नहीं गया तो थोड़ी देर बाद कर लेंगे जाके। दुरुस्त, अब आप पहले देखें कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। आया आप जो है वो सुस्त वाली कैटेगरी में से हैं कि अगर अभी हो गया तो हो गया और अगर अभी रह गया तो फिर नहीं हो पाएगा? तो ऐसी सूरत में तो बहरहाल भागते चोर की लंगोटी, छोड़ने से तो पढ़ना बेहतर ही है ना। मतलब फ़र्ज़ करें, अला बिन बाबे मिसाल फ़र्ज़ करें कि कोई विलादत का दिन हो आज और कोई हालत निजासत में हो, दुरुस्त, मतलब गुस्ल करना उसको। अब अभी मतलब फ़र्ज़ करें काम शुरू करने से पहले, मैंने कहा ना मिजाज होते हैं अलग अलग, काम शुरू करने से पहले आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उसके बाद जब शुरू हो गए अपने कामों में तो फिर तो कुछ भी हो जाए नहीं होना, तो उसमें बहरहाल ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो कि अगर अभी नहीं पढ़ेगा तो दो घंटे बाद पढ़ लेगा, दो घंटे बाद नहीं पढ़ेगा तो चार घंटे बाद मिलाकर पढ़ लेगा, तो बहरहाल मेरा मशवरा ऐसे लोगों के लिए ये है कि जितना ज़्यादा अहतमाम करके पढ़ें, जितना ज़्यादा तहारत और निजासत का ख्याल रखते हुए पढ़ें, वो हाईली रिकमेंडेड। अगरचे वजूब की हद तक बहरहाल नहीं है, लेकिन असरात हैं इसके अपने, फवायद हैं इसके अपने। आप खुद सोचें, एक शख्स मतलब मैं हूँ, दुरुस्त, मैं लेट के कुरान पढ़ रहा हूँ, टांग पे टांग रखी हुई है, यूँ कुरान पकड़ा हुआ है या मसलन आजकल मोबाइल में लिया हुआ है और मैं पढ़ रहा हूँ, और एक शख्स है जो उठता है, वुजू करता है, किबला रुख होके बैठता है, अदब एहतराम के साथ कुरान लेकर कुरान को पढ़ रहा है, क्या ख्याल है आपका? फ़र्क तो है ही ना, यानी जब हम फ़र्क महसूस कर रहे हैं तो खुदा की नज़र में फ़र्क नहीं होगा कि एक शख्स एफर्ट्स कर रहा है, वुजू कर रहा है, उठ रहा है, किबला रुख होके बैठ रहा है, बैठ के नमाज कुरान पढ़ रहा है, एहतमाम कर रहा है उसके लिए, और एक शख्स, यानी बिलाखिर ये चीज़ें बताती हैं कि आप सामने वाली की चीज़ की अहमियत के कितने कायल हो। एक उसको एक आम किताब की तरह पढ़ रहा है, एक उसको कुरान की तरह पढ़ रहा है। एक ज़माना था जब हमारे बुज़ुर्गों में इन ये वैल्यूज़ मौजूद थी, मतलब न्याज बनाते थे तो बड़े अहतमाम से बनाते थे, कोई नजिस औरत उस कमरे में नहीं आ सकती थी, उस कमरे को पहले धोया जाता था, हालांकि घर नजिस नहीं होता था लेकिन उसके बावजूद अहतमामन उसको पाक, दोबारा से पाक किया जाता था, बावजू होकर न्याज बनाई जाती थी। ये अच्छी वैल्यूज़ थी, लेकिन बहरहाल हम ही लोगों ने, मैं अब इसमें आवाम से ज़्यादा अपने आप को कसूरवार इसलिए कहूँगा कि हम ही लोगों ने ये कह के कि यार ये वाजिब नहीं, वो वाजिब नहीं, ये ज़रूरत नहीं, वो ज़रूरत नहीं, हमने आहिस्ता आहिस्ता इन वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया। अब वही वाली बात है, हाथ मुंह धुला है कि नहीं धुला है, जाते हैं जाके न्याज बनाना शुरू कर देते हैं, खुद पाक हैं, खुद नजिस हैं, कोई रोके टोके को हराम तो नहीं है ना, कहानी ख़त्म हो गई, पैसा हजम हो गया। जितना अहतमाम करें इन चीज़ों को, बाज़ रिवायतों में इसके, मैं उस मज़ीद आगे नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन बाज़ रिवायतों में भी इन बातों के शाहिद मौजूद हैं
कि इन मुतबर्रिक चीज़ों का एहतराम करना चाहिए इंसान को। और बिलाखिर देखें, हमारा तो सारा काम ही नस्बतों पे चल रहा होता है ना, ये अलम, ये ताबूत, ये जुलजना, नस्बतों की वजह से आप उनका एहतराम करें। तो ये न्याज भी बिलाखिर इमाम सादिक की न्याज आप दे रहे हैं, या मतलब बीबी की न्याज आप दे रही हैं, या मतलब मौला अमीरुल मोमिनीन की न्याज आप दे रही हैं, तो बिलाखिर नस्बत तो उन्हीं हस्तियों से है ना। तो एहतमाम किया जाए, थोड़ा बहुत एहतराम किया जाए उसका, अलबत्ता ऐसा कि जो माकूल हद तक हो वो बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि रिकमेंडेड है शरण भी, कहना कि बाज़ रिवायतों के, हालांकि शरण से मुराद मेरी है कि बाज़ रिवायतों में इस किस्म की चीज़ें मिलती हैं कि उनको अहमियत देने की बात की गई है। और जहाँ तक वजूब व हुरमत की बातें हैं, तो हाँ भले वाजिब भी नहीं है और हराम भी, यानी वाजिब नहीं है कि आप ये एहतमाम करें और ना करना हराम भी नहीं है। आप जिस तरह हैं उसी हालत में आप कुरान पढ़ें, आप ज्यारतें पढ़ें, आप दुआएँ पढ़ें। जो सिर्फ पाबंदी है वो यही है कि हरम में जाकर मासूमीन के और उस कमरे में आप नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन आप बहरहाल ज़ियारत पढ़ सकते हैं, आप दुआएं पढ़ सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है।